बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गेन अगेन बाय अमन पर। आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा विनप्रो इंडस्ट्रियल के शेयर के बारे में। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे विनप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर आज के दिन पे डाउनफॉल दिखाता हुआ नजर आया। कल के दिन कंपनी के नंबर्स आए थे, आप लोगों में से ही एक व्यूवर्स के कमेंट्स थे कि विनप्रो इंडिया के नंबर्स को डिस्कस किया जाए। फटाफट से कंपनी के नंबर्स पे चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर एक महीने में जो है 23% का डाउनफॉल दिखा चुका है। एक साल में आप देखेंगे 3% के पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में यहीं पे 94% का डाउनफॉल है, ऑलमोस्ट क्रैश होता हुआ नजर आया। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ का है, इट मीन्स कंपनी माइक्रो कैप टाइप की है। और यहाँ पे अगर इस पे इन डिटेल में इसके फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मिशन में बताएं, मैं जरूर लेके आऊंगा। सबसे पहले इसके नंबर्स को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है कुछ क्वार्टर से जो कोई सेल्स प्रेजेंट करती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर, यहाँ पे आज जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर है वो भी जीरो ही है, अभी भी जीरो ही था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है काफी एक्सपेंसेस से गुजरती हुई नजर आ रही है। कंपनी पर जो है कर्जे भी हैं ठीक ठाक, और अभी इनके ऑपरेशंस थोड़े से ठप देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंसल्टेंसी बिजनेसेस से ज्यादातर इनका जो है रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है, और कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर थोड़ा सा इनके इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा जरूर कम होता हुआ नजर आया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 4.26 का, इस बार 2.95 का लॉस है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो जहाँ पे कंपनी कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ऑपरेशंस दिखाती हुई नजर नहीं है, ना सेल्स है ना रेवेन्यू है, तो ओवरऑल खर्चे तो अपनी जगह पे नॉर्मल होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे खर्चे बस हुए हैं 4.26 का जो है खर्चा था, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है खर्चा, 2.95 का खर्चा है। सो कंपनी के सेल्स क्यों नहीं हो रही है, क्या इश्यूज है, ये सारी बातें मैं इन डिटेल में करूंगा जब वीडियो इस पर लेके आऊंगा, ठीक है। ओवरऑल अगर नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही सेकंड में आप इसके नंबर को जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ भी जो है जो सेल्स है वो नहीं है, कोई भी रेवेन्यू नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिल रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए डेप्रिसिएशन इट मीन्स कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल जो बिजनेस है अभी जो है वो थोड़ा सा ठप होता हुआ नजर आया है, ठीक है। सो विनप्रो इंडस्ट्रीज़ का अगर बात करूँ तो बिल्कुल ही मतलब जो है अभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली अभी देखो तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डाउन है। सो वेल्थ तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इन डिटेल में इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा करूंगा। बाकी इसके नंबर्स यही थे कि इस पर जो है अभी भी लॉस है, और 2.95 का जो है इस बार लॉस कंपनी ने दिखाया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार लॉस थोड़े कम दिखाए हैं, ठीक है। मिलता है आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।